Namaste everyone. Welcome to Navratri special dish. Today we have a nutritious and delicious recipe for you. Sabudana khichdi. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साबुनदाना को सोक करूंगी। एक कप साबुनदाना, इसमें थोड़ा पानी डालकर 6-7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक कप रोस्टेड मूंगफली को कोसली ग्राइंड करेंगे। मूंगफली न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, इसमें विटामिन ई, विटामिन बी एंड मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स मौजूद हैं। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा और तो और ये आपका वजन भी बढ़ने नहीं देगा। आइए शुरू करें। 2 चम्मच घी, आप चाहो तो मूंगफली का तेल भी ले सकते हो। इसमें थोड़ा जीरा, थोड़ी हरी मिर्च डालकर सॉटे कर लेंगे। बॉयल पोटैटो लेंगे, इसे थोड़ा रोस्ट करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आलू में होता है हाई फाइबर जो आपको पूरा दिन फुल रखेगा और व्रत में क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। अब इसमें साबुदाना ऐड करेंगे। देखिए हमारा साबुदाना फुल तो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। साबुदाना इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आपको पूरा दिन एनर्जी देगा। अब ऐड करेंगे अपनी मूंगफली पाउडर, जेंटली मिक्स करेंगे। मैं इसमें भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ फॉर डिलीशियस टेस्ट। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, आप चाहो तो सेंधा नमक यूज कर सकते हो। इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है। अब बारी है सर्व करने की। आवर डिलीशियस एंड हेल्दी साबुदाना खिचड़ी इज रेडी। It's a great source of energy and rich in carbohydrates. If you like this recipe, don't forget like, share and subscribe to our channel for more exciting recipes. Shubh Navratri.